नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के नगर निगम के द्वारा और नगर निगम में जो डिप्टी मेयर चिंता देवी जो हैं, उन्होंने कोई बात नहीं है, जो जेन्युइन बात है उसी बात को बिहार सरकार के मंत्री और नगर के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने रखने का काम किया था। उस पे कितना बड़ा इनको गुस्सा है कि ये बोलती हैं कि हम उन्हें जिंदा जला देंगे। अरे आप समझने का कोशिश कीजिए डिप्टी मेयर के, किनके बारे में आप क्या कह रही हैं। ये सूर्य को थूक जो बिगने का काम करी है, वो प्रेम कुमार जी को जलाने की बात आपने नहीं बोला है, सूर्य पे थूकने का काम किया है। और वो थूक जो है सो आप पर पड़ेगा, और जिन लोगों के इशारा पर आप चल रहे हैं ना, उन लोग को भी समझना चाहिए। हम भारतीय संविधान का स्वागत करते हैं और भारत की संविधान को हम बहुत ही सदन में जाने का और प्रमुख प्रमुख पदों पर दिया था कि उन्हें समाज में कुछ सीखने का मौका मिले और समाज उन्हें प्रतिष्ठा के दृष्टि से देखे। इसलिए नहीं किया गया था डिप्टी मेयर कि कम पढ़े लिखे लोग जो जी में आए वो बोल करके और निकल जाए। मैं आज इस यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से घोषणा करता हूँ कि मैं वाइंड हूँ उन लोगों पे, मैं स्वयं जो जिंदा जलाने का बात जिन्होंने कहा है मैं उन पे FIR करूंगा, यह मैं निश्चित रूप से आप लोग को बता देना चाहता हूँ। पूरा परिचय, मेरा नाम देवानंद पासवान, भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला का अध्यक्ष हूँ। मालूम है कि आज किस विषम परिस्थिति में हम लोगों को आप प्रेस के मित्रों से बात करने का की आवश्यकता पड़ गई है। जो लोग संविधान की शपथ लेकर के नगर निगम के जिम्मेवार पद पर बैठे हैं, उन लोगों ने खुलेआम अपराध करने का काम किया है और बिहार सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने की धमकी दी है। ये बहुत चिंता की बात है कि अगर मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसलर सरेआम षड्यंत्र करके, बैठक बुला करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार के मंत्री को जिंदा जलाने, जहां मिलने पर जिंदा जलाने की धमकी अगर दे रहे हैं और अभी तक प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है, तो ये पीड़ा का विषय है। हम सबके लिए पीड़ा का विषय है कि अगर गया नगर का विधायक, गया नगर से 8 बार चुने हुए विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे व्यक्ति को अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति जिंदा जलाने की बात करता है और उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, तो जिस पर एक दारोगा के अपहरण का करके उसको कन्फाइंड करने का केस चला है, तो चिंता और बढ़ जाती है। जिसके ऊपर एक लड़की को पटना में ला करके बलात्कार करने का केस मुकदमा चला हो, ट्रायल फेस किया हो उसने, उसके बाद चिंता और बढ़ जाती है। उसके साथ अगर कोई व्यक्ति और हो जिन पर कई मुकदमे दाखिल हो रहे हों और उसके बाद खुलेआम धमकी दी जाती है, तो सुरक्षा की चिंता होती है। हम लोगों को चिंता हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को गया शहर में आने देना चाहिए कि उन्हें रोक देना चाहिए, क्योंकि जिंदा जलाने वाले लोग 53 वार्ड में घोषणा कर रहे हैं कि हम 53 वार्ड में बैठे हुए हैं। मतलब कोई वार्ड सुरक्षित नहीं है जहां हमारे मंत्री जी बिहार सरकार के गया में प्रवेश करें और सुरक्षित रह जाए। ये चिंता की बात है। मैं प्रेस के माध्यम से गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से, गया के नगर पुलिस अधीक्षक से, गया नगर के पुलिस उपाधीक्षक से, और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो शायद सिविल लाइन थाने के अंदर पड़ता है, उनके थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया संज्ञान में लीजिए, और जो जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे वो सारे लोग षड्यंत्र में शामिल है, वो हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिंदा जलाने की बात खुलेआम कर रहे हैं। ये तो तालिबानी मानसिकता है जो अफगानिस्तान में है, या सीरिया में जिस तरह से लोग, कश्मीर में जिस तरह से
लोगों को जलाने की बात की गई, वो गया में भी वैसे मानसिकता के लोग आए हैं, क्योंकि वैसे लोग एक क्षेत्र विशेष से जीत करके आए हैं, जहां रोहिंग्या का भी वास हो गया है, जहां रोहिंग्या की आबादी भी आ गई है। तो हमको चिंता लग रही है कि हमारे मंत्री का, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का चमचों की बात की गई है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है, उसको जिंदा जलाने की बात की जा रही है। सरकार आपकी है तो क्या आगे क्या होगी भाई? सरकार सबकी है, सरकार पत्रकार मित्रों की भी वही है जो हमारी सरकार है, यहाँ के डिप्टी मेयर के लिए भी वही सरकार है जो आपकी सरकार है, जिसको जनता की चुनी हुई सरकार है। मैं सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, मैं आईजी महोदय से कहना चाहता हूं, मैं जिला के पदाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूं, मैं ये वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है, लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ते देखना कोई नहीं चाहता है। इसलिए कृपया संज्ञान लें और उन सारे लोगों पर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में षड्यंत्र करके सरेआम धमकी देने का काम किया है, जो भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है और भारतीय जो कानून है, अभी कानून में परिवर्तन हुआ है, बीएनएस और बीएनएसएस में के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों पर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि इस षड्यंत्र में और कौन कौन लोग शामिल हैं। कार्रवाई के लिए आप लोगों ने आवेदन किया या नहीं अभी? मैं तो आपके माध्यम से कर रहा हूं। हम लोगों ने तो अभी मंत्री जी को पता नहीं है, मिला है कि नहीं समाचार, हम लोगों को पीड़ित हैं, हम लोगों ने आवेदन कोई दिया नहीं है। हम लोग भी पत्रकार महोदय के माध्यम से, पत्रकार वार्ता के माध्यम से, चूंकि ये हम लोगों के मोबाइल में आया, हम लोगों के टेलीविजन में इस तरह की धमकी आई है, ये चिंतित कर रहा है, हम लोगों के परिवार के सदस्य चिंतित हैं, हम लोगों को आज वकालत के लिए जाने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों ने रोका कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ आप मंत्री जी के साथ रहते हैं, घोषणा की गई है कि मंत्री के चमचों के साथ, और मंत्री को जलाने की बात की गई है, तो मुझे रोका गया कि आप मत जाइए। आप पेशे से एडवोकेट भी हैं। जी जी। लहरा देने की बात कही गई है, कौन सी कानूनी धारा के संगत नहीं आता है? पहले तो जो अभी बीएनएस बना है, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो दंड प्रक्रिया, वो जो आईपीसी की धारा थी वो 436 में आती है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, धमकी 506 में होनी चाहिए, 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, षड्यंत्र 120 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और बीएनएस में उसको क्या परिवर्तित है वो हम लोग देख करके, उसको नई ट्रेनिंग मिली है हमारे आईपीएस अधिकारियों को, वो लोग इसको करेंगे। मुकेश जी, अभी आपने कहा कि उनके साथ वैसे लोग हैं जिन्होंने दरोगा लड़की, वो लोग कौन है? देखिए, क्या नाम है उनका? मैं नाम बताना नहीं चाहता, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जो गुजरात से, एक कौन सा था यार, जैन, नहीं नहीं, गुजरात से एक व्यक्ति को किडनैप कर करके रामपुर थाना के सामने, अतुल प्रकाश। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि उसमें आईपीएस जो आज एडीजी हैं, उन्होंने गवाही दी थी। नहीं तो आप उनका नाम उनके डर से नहीं ले रहे? भय लगता है, जिंदा जलाने का भय किसको नहीं है, मैं आप पत्रकार मित्रों की तरह बहादुर नहीं हूं, मुझे जिंदा जलाए जाने का भय है, मैं भयाक्रांत हूं और करीमगंज के पास रहता हूं भाई साहब, इसलिए और चिंता हो रही है, गर्दन कहीं फतवा जारी हो गया मेरे ऊपर भी तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं तो आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब आप टेलीविजन में दिखाएं तो चेहरा खत्म कर दें, नहीं तो हो सकता है कि यहीं से कचहरी जाता हूं, कहीं 6 इंच के गर्दन मेरी न रहे। तो करीमगंज से डर लगता है क्या? किसको भय नहीं लगेगा वैसे अपराधियों के बीच में जहां रोहिंग्या बसाए गए हो, ये रोहिंग्या पूरे दुनिया में के लिए खतरा है, क्या हमारे गया के लिए खतरा नहीं है? मैं तो एसपी साहब से कहूंगा कि वैसे लोग जिनकी पहचान मुश्किल है और आके गया में बसे हैं और धमकी दिला रहे हैं, उनकी पहचान करके उनका भी
तो कल तक आपकी पार्टी बोली थी बंगाल में गंडिया मुसलमान बसे हुए हैं, तो क्या क्रिमिनल भी लोग आ गए? पूरे देश में बसे हुए हैं, पूरे देश में उनको समर्थन देने वाले लोग उनको बसा रहे हैं। और देश ऐसा नहीं पश्चिम बंगाल में सिर्फ बसे हैं, ऐसी बात नहीं है, पूरे देश में पश्चिम बंगाल के रास्ते होकर के रोहिंग्या मुसलमान उत्तर प्रदेश में भी है, जहां योगी जी काम कर रहे हैं उनको भी पहचान करनी पड़ रही है। और वैसे लोग बिहार में आपकी सरकार है तो क्या लगता है, जांच होना चाहिए करीमगंज में? आपकी नहीं सरकार, आपकी सरकार नहीं है क्या बिहार में? ये जो सरकार समर्थन के साथ आपकी सरकार नहीं, ये सरकार जो है वो हमारे पत्रकार मित्रों की नहीं है, आपकी भी सरकार है, ये सरकार सबकी है, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी सरकार है, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उसकी भी सरकार। जिस करीमगंज की हम बात करें वहां पे कई आईएएस ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो भारत सरकार में, उनके लिए भी चिंता की बात है, उनके लिए भी चिंता की बात है कि यहाँ वहां एक काउंसलर निर्विरोध जीतता रहा, उसका क्या चरित्र था उसके बारे में सब कुछ मालूम है सबको, और उसने किसके लिए खाली किया, जो अपहरण कांड का सरगना रहा था और जिस पर मुकदमा दर्ज था। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक्यूटर बिहार सरकार को, तो मैं मांग करूंगा कि वैसे केस में जिनपे एक्यूटर हुआ है अपील अगेंस्ट एक्यूटर दाखिल होना चाहिए। जो बलात्कार का पॉक्सो एक्ट का पटना में मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें सरकार को चाहिए कि ऐसे घनघोर अपराधी जो छूट जाने के बाद, न्यायालय से छूट जाने के बाद सरेआम धमकी दिलवा रहे हो, पीछे पीछे बगल में बैठ करके, और अगर धमकी दिलवा रहे हैं तो उन पर फिर से ट्रायल चलना चाहिए, अपील अगेंस्ट एक्यूटर दाखिल होना चाहिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से, न्याय मंत्री जी से, कानून के सचिव से और गया के कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे केसेस को रिव्यू कराना चाहिए, उसमें अपील अगेंस्ट एक्यूटर दाखिल होना चाहिए। और दूसरी बात एक कहना चाहता हूं,